हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट एकेडमी पंजाब खन्ना। तो आज मैं आपके साथ एक हमारा जो कोर्स चल रहा है डेंटिंग और पेंटिंग का, उसके बारे में आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे साथ है मंजीत सिंह जी, जो हमारे यहां पे टीचिंग देते हैं डेंटिंग और पेंटिंग से रिलेटेड। जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये डेंटिंग और पेंटिंग के अंदर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है फॉरेन में और इंडिया के अंदर। तो इसलिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इंडिया के अंदर एक वर्कशॉप को कैसे आगे लेकर जाया जाए, उसको उसके उससे रिलेटेड हमारे पास आते हैं कि उनको डेंटिंग और पेंटिंग का काम खुद आ जाए या वो आगे जाकर अपने जो वर्कर्स हैं उनको करवा सके। तो उसके लिए मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास एक गाड़ी आई हुई है, तो इस गाड़ी के ऊपर डेंटिंग और पेंटिंग हम लोग जो करके आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल कैसे काम किया जाता है। जब 20 साल पहले यदि हम लोग देखते हैं तो उस समय जो डेंटिंग थी वो बहुत अलग तरीके से थी। आज जो नई डेंटिंग और पेंटिंग का काम हो रहा बिल्कुल अलग हो चुका है। जो मेरे भाई पुराने देख रहे होंगे, ये आज के समय में पहले क्या होता था, जैसे ये डेंटिंग है, इसमें डेंट है ये बॉनट के अंदर, तो पहले इसको फाइल के साथ पेंट रब किया जाता था, इसका पेंट को उतारा जाता था, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। तो आज मंजीत सर हमारे आपको दिखाएंगे, जैसे इनके पास हैंड टूल है, इसके साथ इसको रब किया जाएगा, बहुत आसान हो चुका है। दूसरा, डेंटिंग मशीन के साथ कैसे की जाती है और उसके बेनिफिट क्या है, हम लोग आपको आज फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो। फिर हम लोग धीरे धीरे आप लोगों को डेंटिंग कैसे की जा रही है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, कितने टूल्स लगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेंटिंग कैसे की जाती है यहाँ पे दिखाइए। सर, ये जो डेंट है ना, पहला आप तकरीबन मान के चलो भी आप हाथ से इसको चेक कर लेंगे, वैसे भी पता लग जाएगा, जैसे साइड से देख के भी पता लग सकता है। ठीक है, ठीक है। मंजीत सर, जैसे हमारे पास कोई स्टूडेंट आ जाता है तो ये एक फील करने का स्टेप है जो सर बता रहे हैं, फीलिंग कैसे होती है, जैसे सर बोल रहे हैं कि हाथ लगाकर भी देख, आंख से देखने के बात अलग है। बिल्कुल, तो आंख से देखने की बात अलग है, आप कह रहे हो इसको इस तरह है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जब हमारे पास स्टूडेंट होता है उस समय उसको बेटर समझ में आता है कि इस डेंट चेक कैसे किया जाता है। अगर कोई डेंटिंग करना चाहता है उसको डेंट दिखाई नहीं देता, ये जो स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड जिनके हाथ में होता है, वो मतलब बिना देखे हाथ लगाकर ऐसे चेक कर सकते हैं कि डेंटिंग है या नहीं। ठीक है सर, अब इस मशीन को क्या बोलते हैं? सर ये डेंट मास्टर मशीन है। डेंट मास्टर मशीन है, इसको डेंट मास्टर मशीन बोल देते हैं। तो ये जो मशीन है इसको पुल किया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये मशीन जो है इसका अर्थ है, ये इसके साथ अर्थ लगाना पड़ेगा, बॉडी के साथ अर्थ लगाया जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके साथ काम करके आपको दिखाया जाएगा और आगे आगे जो स्टूडेंट्स कैसे इसमें कितने समय में हम लोग इसको फास्ट कर सकते हैं वो भी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। चलिए सर, इस तरह से काम होता है, मतलब ये कितना आप इसको जोर लगाओगे वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। मंजी सर एक बार ये देखिए, स्पॉट डॉट दिखाइए आप,
जे कोई सुराख नहीं है, जे सिर्फ डॉट है, डॉट है, ये कोई इसमें होल नहीं हुआ, सुराख नहीं हुआ, कहने का मतलब ये डॉट है, ठीक है। इसको बाद में इसको फाइल से करेंगे, ग्राइंडर करेंगे, ग्राइंड करेंगे तो ये प्लेन हो जाएगा। ओके, इसको फाइल से या ग्राइंडर से इसको साफ करेंगे, क्लियर। इसका मतलब सर, पहले इस बोनट के अंदर जो मैंने देखा आज तक, पहले बोनट के डेंट को, बोनट को चेंज किया जाता था। अब इस मशीन के साथ कह लो, या अब ये चेंज हो चुका है, ट्रेंड इतना बढ़िया हो चुका है कि जिस डेंट, जो डेंट पड़ा हुआ है, इस डेंट को क्लियर करने के लिए, इसको रिपेयर करने के लिए गाड़ी को पूरा बोनट इसका चेंज किया जाता था। तो आज स्किल इतना फास्ट हो चुका है कि हम लोगों को कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जो काम एक दिन दो दिन में हो रहा था और उस पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा थे, वो एक्सपेंसेस कम हो चुके हैं इस तरीके से काम करने से। तो इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत जल्दी इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। जा पहले क्या होता था, इसके नीचे वाली चादर उतार लेते थे, ठीक है सर। इसको जहां से कटिंग किया, डेंटर में डेंट निकाला, ठीक है, फिर चादर को दोबारा फिर वेल्ड करना। सर बोल रहे हैं कि ये जो अंदर डबल, जो पहले होता था, हाँ, डबल चादर है, इसको काट कर फिर उसको दोबारा डेंट निकाल कर दोबारा वेल्डिंग किया जाता था। ये पुराना टाइप का काम था, नए में आप देख रहे हो। चलिए सर, यही कैसे हाथ टिकाना है, इस पे जोर देंगे हम लोग। अब ये रह गया हमारे पास, हाँ जी, हाँ जी, ये इस एरिया में रह गया, ठीक है सर। तो नीचे थोड़ा पेंट फिर कटना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा सा अभी और, ठीक है सर। अब इसमें ये आप ये भी कर लीजिए सर, ये हमारा इस तरह, जो हमारे मंजीत सिंह जी हैं, इन्होंने ये डेंट को दिखाया कैसे इस तरह। यदि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास, फ्रेश स्टूडेंट जो इस काम के काम में जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको हम लोग वन मंथ, वन एंड हाफ
टू मंथ इस तरह यदि कोई आ जाए वो इंडिया में काम करे, इंडिया से बाहर करे, बहुत ही आसान तरीके से उसको ये समझ में आएगा। इस कोर्स के अंदर हम लोग आपके साथ फिर डिटेल, ये तो डेंटिंग हो गई, डेंटिंग के साथ अदर जो इसके रिलेटेड काम है कैसे किए जाते हैं तो वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें सर जो ये जोर लगाना है कितना लगाना है, कैसे एक स्टूडेंट? सर जी डेंट के ऊपर आता है जी, ठीक है, जैसे जी थोड़ा सा गहराई में है, हाँ जी, इसको थोड़ा सा ज्यादा जोर लगेगा, जोर लगेगा। मैं 15-20 दिन में जो भी इसको करेगा उसका हाथ बैठ जाएगा। 15-20 दिन, तो ये जो खुद कर रहे हैं, मैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हूँ, इलेक्ट्रॉनिक से, ये था कि मुझे शौक है, वर्कशॉप के अंदर मैं करता रहता हूँ, करवाता रहता हूँ, साथ में रहते हैं हम लोग, कोर्स चलते हैं, तो मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूँ। तो सर बोल रहे हैं 15-20 दिन का समय डेंटिंग के लिए दे दीजिए, उसके बाद डोर सेटिंग जो पूरी इसकी फिटिंग होती है उसके लिए वो प्रैक्टिस डेली चलती रहेगी साथ के साथ। तो आइए, यदि कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमारे साथ हमारे इस वीडियो के नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।